हेलो दोस्तों, भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इनका जन्म 14 नवंबर 1889 में हुआ था। यह स्वतंत्रता से पहले और बाद में भारतीय राजनीति के केंद्रीय व्यक्तित्व थे। महात्मा गांधी जी के संरक्षण में वे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सर्वोच्च नेता के रूप में उभरे और उन्होंने 1947 से भारत में एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापना से लेकर 1964 तक अपने निधन तक भारत का शासन किया। वे आधुनिक भारतीय राष्ट्र राज्य एवं संप्रभु साम्राज्यवादी धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणतंत्र के वास्तुत्वकार माने जाने जाते हैं। कश्मीरी पंडित समुदाय के साथ ही उनके मूल की वजह से ही वे पंडित नेहरू भी बुलाए जाते हैं और उन्हें छोटे बच्चों से काफ़ी ज़्यादा प्यार था और छोटे बच्चों को भी इनसे काफ़ी ज़्यादा लगाव थी, इसलिए छोटे बच्चे इन्हें प्यार से पर चाचा नेहरू भी कहते थे। स्वतंत्रता के प्रथम प्रधानमंत्री का पद संभालने के लिए कांग्रेस द्वारा नेहरू निर्वाचित हुए। यद्यपि नेतृत्व का प्रश्न बहुत पहले 1941 में ही सुलझ चुका था, जब गांधी जी ने नेहरू को अपने उनकी राजनीतिक वारिस और उत्तराधिकारी के रूप में अभिस्वीकार किया। प्रधानमंत्री के रूप में वे भारत के सपने को साकार करने के लिए चल पड़े। भारत का संविधान 1950 में अधिनियमित हुआ, जिसके बाद उन्होंने आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सुधारों के रूप में एक महत्वाकांक्षी योजनाओं की शुरुआत की। मुख्यतः एक बहुवचनीय बहुदलीय लोकतंत्र को शोषित करते हुए उन्होंने भारत के एक उपनिवेश से गणराज्य में परिवर्तन होने का पर्यवेक्षण किया। विदेशी नियमित नीति में भारत को दक्षिणी एशिया में एक क्षेत्रीय नायक के रूप में प्रदर्शित कर निरपेक्ष आंदोलन में एक अग्रणीय भूमिका निभाई। नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर चुनावों में प्रभुत्व दिखाते हुए 1951, 1957 और 1962 में लगातार चुनाव जीतते हुए एक सर्वग्रहण पार्टी के रूप में उभरी। पंडित जवाहरलाल नेहरू के अंतिम वर्षों में राजनीतिक संकटों और 1962 में चीन भारत युद्ध में उनके नेतृत्व की असफलता के बाद भी वे भारत में लोग के बीच लोकप्रिय बने रहे। भारत में उनकी जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। आप सभी का मेरा यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करना और भी ज़रूरी है ताकि आपको मेरे वीडियो का